प्रदेश न्यायिक प्राधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल को बंद करने का निर्णय न सरकार न ही कर्मचारी के हित में है। ऐसे में सरकार से मांग की जाती है कि इसे बहाल रखा जाए। ये बात ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन सर्किट धर्मशाला के प्रधान टेक चंद राणा ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा। प्रदेश न्यायिक प्राधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल को बंद करने का निर्णय न सरकार और न ही कर्मचारी हित में है। ऐसे में सरकार से मांग की जाती है कि इसे बहाल रखा जाए। ये बात ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन सर्किट धर्मशाला के प्रधान टेक चंद राणा ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 1986 में ट्रिब्यूनल शुरू किया गया था, जो कि वर्ष 2008 तक चला रहा, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। उसके उपरांत वर्ष 2016 में इसे शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने ट्रिब्यूनल को बंद कर इसमें लंबित मामलों को हाईकोर्ट में भेजने का निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारी वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट में अलग से वकील करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी वर्ग को न्याय देने में ट्रिब्यूनल सक्षम है और इसके माध्यम से सस्ता न्याय कर्मचारी वर्ग को मिलता है। उन्होंने कहा कि अधिकतर सरकारी कर्मचारी नहीं चाहते कि ट्रिब्यूनल बंद हो। ऐसे में ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने भी एक समिति गठित की है, जो कि 13 जुलाई को सीएम से मिलकर ट्रिब्यूनल को बहाल रखने को लेकर अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रिब्यूनल को बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार करे, अन्यथा एसोसिएशन विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। इस अवसर पर अधिवक्ता वरुण शर्मा, अंकित शर्मा, संजय बरसैल, विनोद कुमार उपस्थित रहे। ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन सर्किट धर्मशाला के प्रधान टेक चंद राणा ने कहा कि सरकार ने ट्रिब्यूनल को भंग करने का निर्णय जल्दबाजी में लिया है। कर्मचारियों के मामलों का ट्रिब्यूनल बेहतर ढंग से निपटारा कर रहा था, जबकि हाईकोर्ट में ऐसे मामलों में समय लगता है। ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने उक्त निर्णय को निरस्त करने बारे सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है, तथा धर्मशाला इकाई भी इसका समर्थन करती है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल रखा जाना चाहिए, इसमें ही प्रदेश और कर्मचारी वर्ग की भलाई है। उन्होंने कहा कि सरकार से इस पर पुनर्विचार का आग्रह किया जाएगा, लेकिन सरकार नहीं माने तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और हम ये समझते हैं जरूरी कि इस ट्रिब्यूनल को बाहर रखा जाना चाहिए। इसमें ही प्रदेश की और मुलाजमों की भलाई है, और दूसरे जो झगड़े हैं वो हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं, तो हाईकोर्ट में बहुत काम पड़ा हुआ है। मुलाजमों के झगड़े नहीं जाना चाहिए। अगर बहाल नहीं हो तो आपको कोई एजिटेशन वगैरह? एजिटेशन करने हमारी शिमला बार एसोसिएशन ने पहले ही निर्णय ले लिया है और सरकार को मिल रहे हैं। अगर सरकार नहीं करती है इस निर्णय को वापस, तो कोई ना कोई एजिटेशन हम जरूरी सब मिल करके करेंगे इसको भंग इसके विरोध में। एसोसिएशन ने हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने पहले ही इस निर्णय को निरस्त करने के लिए रेजोल्यूशन भेज दिया सरकार को, और ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन धर्मशाला जो है ये भी उसी निर्णय को दोबारा सपोर्ट कर रही है कि ये जो भंग किया है न्याय नहीं, न्याय संगत नहीं। सरकार से पुनर्विचार डोले सर, ट्रिब्यूनल को भंग किया जा रहा है, उसको लेके आपने प्रेस वार्ता की, ये क्या कहना चाहिए? हम कहते हैं कि सरकार ने एक गलत जल्दबाजी में निर्णय लिया है ये सर, माइक थोड़ा बोल रहा हूँ। और ये ट्रिब्यूनल जो है सरकारी मुलाजमों का बहुत ढंग अच्छे ढंग से निर्णय कर रहा था, उनके झगड़ों का निवारण कर रहा था, जो उनको अब प्राप्त ना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट में देरी लगती है निर्णय के लिए। हाईकोर्ट में आगे ही पेंडेंसी बहुत है, और ट्रिब्यूनल केवल मुलाजमों के ही केस करता था, दूसरे झगड़े नहीं लेता था। तो अभी जैसे वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।